हंड्रेड माइल स्क्वायर सीरीज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गेट डिपार्टमेंट बाइज मैक्सिमम सैलरी फ्रॉम टेबल ऑर्डर बाय असेंडिंग ऑर्डर। इसका मीनिंग क्या होगा उस पर इसके बारे में हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि अपने को डिपार्टमेंट बाइज मैक्सिमम सैलरी क्या है वो अपने को पता करना है। सपोज कि यहाँ पर हमारा एम्प्लॉय डिटेल टेबल है और यहाँ पर ये डिपार्टमेंट इस पर्टिकुलर टेबल सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर अकाउंटेंट ये तीन डिपार्टमेंट है। उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में देखिए मल्टीपल टाइम डिपार्टमेंट है ओके। इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट सबसे मैक्सिमम सैलरी हम क्या है ओके ये अपने को पता करना है। तो हम ये कैसे पता करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में जानेंगे ओके। तो यहाँ पर देखिए प्रोजेक्ट मैनेजर यहाँ पर सिंगल यहाँ पर ये प्रोजेक्ट मैनेजर है और यहाँ पर ये प्रोजेक्ट मैनेजर ओके। अब इन दोनों में से मैक्सिमम सैलरी किसकी 92,000 वाले की है ओके। अपने को जो रिकॉर्ड निकालना है सपोज यहाँ पर अगर मल्टीपल रिकॉर्ड होता है मल्टीपल टाइम और प्रोजेक्ट मैनेजर होता तो सब उसमें से सब मैक्सिमम सैलरी की क्या है वो अमाउंट अपने को पता करना है ओके। तो ये कैसे करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो हम इसके बारे में बात करने वाले ओके। और जो अमाउंट हम दिखाएंगे वो असेंडिंग ऑर्डर में दिखाएंगे ओके। चलिए इसके लिए क्वेरी लिखते हैं। यहाँ पर सिंपली हम क्वेरी लिखेंगे सेलेक्ट फ्रॉम ओके। देन यहाँ पर हम टेबल का नेम दे देंगे। अपने को सेलेक्ट क्या करना है सबसे पहले तो अपने को डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है ओके। तो यहाँ पर देना है डिपार्टमेंट ओके। देन अपने को मैक्स सैलरी दिखाना है इसके लिए हम यूज़ करेंगे मैक्स फंक्शन को जो क्या काम करता है मैक्सिमम वैल्यू को रिटर्न करता है ओके। तो क्या रिटर्न करना है यहाँ पर सैलरी मैक्सिमम रिटर्न करना है। ये हमारा सैलरी यहाँ पर ये कॉलम है ओके इसके मैक्सिमम ओके। अब डिपार्टमेंट वाइज दिखाना है इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे हम ग्रुप बाय को यूज बेसिकली करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बेसिकली ग्रुप बाय किससे करस्पॉन्डिंग करना है तो डिपार्टमेंट वाइज करना है। तो सिंपली यहाँ पर हम पास कर देंगे डिपार्टमेंट ओके। अब यहाँ से देखिए इस चीज़ को हम सेलेक्ट करते हैं और क्वेरी को हिट करते हैं और वेट करते हैं अपने मैक्सिमम सैलरी के लिए। तो यहाँ देखिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो हमारा पर्टिकुलर है उसको सबसे 95,000 मिला मैक्सिमम। प्रोजेक्ट मैनेजर जो है 92 मिला और अकाउंटेंट को 78,000 मिला मैक्सिमम ऑर्डर। बट ये जो अमाउंट आ रहा है एक रेंडम ऑर्डर में आ रहा है ओके। तो इसको हम जाते हैं कि जो सबसे मिनिमम वाला वो पहले है इसलिए क्या करेंगे ऑर्डर बाय को यूज़ करेंगे। सैलरी को असेंडिंग ऑर्डर हम दिखाना चाहते हैं ओके। तो यहाँ पर लिखेंगे सिंपली यहाँ पर हम सिंपली यूज करेंगे ऑर्डर बाय कर दे। देन यहाँ से किसके करना है अपने को मैक्स सैलरी के करस्पॉन्डिंग अपने को दिखाना है। तो यहाँ से हम यूज कर लेंगे मैक्स सैलरी ओके। अब इसके ऑर्डर बाय अपने को करना है बाय डिफॉल्ट या असेंडिंग होता है इसलिए यहाँ पर असेंडिंग की वर्ड लिखने की जरूरत नहीं। तो देखिए यहाँ पर 78,000 आ गया 92,000 आ गया और 95,000। तो जब भी कभी अपने को कुछ ऐसा रिक्वायरमेंट हो तो सिचुएशन में इस पर्टिकुलर क्वेरी को यूज़ कर सकते डिपार्टमेंट है ओके। अब सपोज चलिए कोई यहाँ पर क्या है आपके पास एक स्टूडेंट मतलब क्लास है स्टूडेंट है। अब किस स्टूडेंट सबसे ज़्यादा अमाउंट पेड कर रहा है अपने को ये पता करना है ओके। तो उस स्टूडेंट को हम यहाँ पर फेच कर सकते हैं उसकी पर्टिकुलर क्लास वाइज कि एक पर्टिकुलर क्लास में कौन सा स्टूडेंट सबसे ज़्यादा अमाउंट पेड कर रहा है ओके। सेक्शन वाइज तो सेक्शन वाइज आप निकाल सकते हैं। तो वहाँ पर ग्रुप बाय सेक्शन आपको यूज़ कर दे। तो इन डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो में हम आप इस पर्टिकुलर क्वेरी को यूज़ कर सकते हैं। होप आपको इस होल वीडियो का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा।